सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट डेकोरेशन। इसे केक्स में, कपकेक्स में, आइसक्रीम में और बहुत सी चीजों में यूज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए दोनों टाइप की चॉकलेट ली है मैंने, दोनों चॉकलेट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट कंपाउंड और व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। डार्क चॉकलेट कंपाउंड को पहले मेल्ट कर रहे हैं। एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड का बर्तन रख दिया है। धीरे धीरे गर्म होने पे ये मेल्ट हो जाएगा। और अब पाइपिंग बैग लीजिए, उसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ, बनाने में इजी होता है, इसी टाइप से कीजिए। इसमें मेल्टेड चॉकलेट भर लेंगे और ऊपर से इसे बंद कर देंगे। इसी टाइप से व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड भी मेल्ट कर लीजिए। डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकंड में ये मेल्ट हो जाता है, उस टाइप से कर लीजिए। आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कैसे करना है। और एक पेपर में मैंने डिजाइन बना लिया है, जिसमें बटरफ्लाई है, पंखुड़ी है और पत्तियां हैं। और उसके ऊपर बटर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए और इस पाइपिंग बैग को ऊपर से थोड़ा सा कट कर लीजिए। अब इस टाइप से शेप बना लीजिए। आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, अपना क्रिएटिव माइंड यूज कीजिए और बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ भी शेयर कीजिए। और इस बटर पेपर को फ्रिज में रखते जाना है, 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, ये हार्ड हो जाएगा। और बटरफ्लाई का दूसरा साइड वो भी बना लीजिए। इसी टाइप से व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड जो मेल्ट किया हुआ था उससे भी बना लीजिए। और चाहे तो इस पे स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, दिखने में ये और अच्छा दिखता है। मैंने यहाँ पे इसके लिए OHP शीट यूज की है, चाहे तो आप बटर पेपर, पार्शमेंट पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम पूरा फिल कर रहे हैं और कलरफुल बटरफ्लाई बनाएंगे इससे। इसमें थोड़ा सा कलर देंगे, नहीं है एडिबल कलर लिया है, रेड कलर शेडिंग कर दीजिए इससे, या तो आप प्लेन रहने दीजिए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और इसे भी फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। 15 मिनट में ये आराम से सेट हो जाएगी। स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, दिखने में और अच्छी दिखेगी। अब मैंने एक पाइप उसको बीच में से कट कर लिया है और बटरफ्लाई को पूरा शेप देने के लिए इस टाइप से कर लीजिए। और इस पाइप के टुकड़े में बीच में इसे रख दीजिए इस टाइप से। और अब ये सेट हो चुकी बटरफ्लाई के जो पंख हैं उन्हें लगा दीजिए, ये बिल्कुल इसमें स्टिक हो जाएंगे। और अब फिर से इसे फ्रिज में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए और फिर यूज करना है। आप किसी बॉटल को भी बीच में से कट कर सकते हैं और ये शेप दे सकते हैं। ऊपर से स्टिक कर दीजिए मेल्टेड चॉकलेट से। इसी टाइप से व्हाइट वाले भी कर लीजिए। आप चाहे तो इसके बीच का पार्ट व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड से बना सकते हैं। इसी टाइप से जो हम फ्लावर बना रहे हैं उसकी पंखुड़ियां बना लेंगे। इसे आप व्हाइट भी बना सकते हैं या फिर दो शेड में भी बना सकते हैं। और इसे भी कट किए हुए पाइप में रख देंगे, इसका कर्व वाला शेप आ जाएगा। और छोटी पत्तियां भी बना लेंगे, सॉरी पंखुड़ियां भी बना लेंगे।
आप इसे मिल्क चॉकलेट कंपाउंड को भी मेल्ट करके बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। इसे भी फ्रिज कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और इसी टाइप से पत्तियां बना लेंगे। पत्तियों को बनाने के लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड में ग्रीन कलर ऐड किया है और इस टाइप का ग्रीन कलर बनाने के लिए मैंने ब्लू और येलो कलर मिला दिया है और इस पंखुड़ी को भी मैंने पाइप में रख दिया है। और एक छोटा स्क्वायर बटर पेपर कट कर लीजिए या फिर पन्नी को कट कर लीजिए, पॉलीथीन जो रहती है सादी, और उस पे इस टाइप से डाल दीजिए। इसे आप दो कलर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट किया हुआ रखा था, उसे ही बना रही हूँ। इस डेकोरेशन को आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इस पे भी करनी है, अगर कर देना है तो, और अगर सीधा ही रखना है तो प्लेट में रख दीजिए और फ्रिज कर लीजिए। अब दो बाउल लिए हैं मैंने फ्लावर का शेप देने के लिए, इस पे बटर पेपर लगा दीजिए। बटर पेपर थोड़ा बड़ा लीजिए, मेरा यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है। और बीच में मेल्टेड चॉकलेट डाल लीजिए और इस पे इन पंखुड़ियों को सेट कर दीजिए। इस टाइप से अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के पास अगर सजेशन है तो वो भी दीजिए। देखिए इस टाइप से सेट कर दीजिए। आप इसे दो कलर का भी बना सकते हैं, ऊपर की पंखुड़ियों को आप व्हाइट शेड भी दे सकते हैं। और अब बीच में थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट और डाल देंगे और ऊपर से स्प्रिंकल्स डाल देंगे, बिल्कुल फ्लावर के जैसा दिख रहा है ये। अब इसे भी फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए। और OHP शीट ली है, इसके ऊपर व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट डाल लीजिए इस टाइप से। आप और भी टाइप अगर जानते हैं तो प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मैं वो भी जरूर ट्राई करूंगी और दिखाऊंगी। इस टाइप से इसे फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से सेलो टेप लगा दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। सेट हो जाने के बाद इसे धीरे से ओपन करना है, ये बिल्कुल इसी शेप में बाहर निकलेगा। बिल्कुल आराम से इसको निकालिए, नहीं तो ये टूट जाता है, और टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल यूज किया जा सकता है उसे। और एक बाउल लीजिए, उस पे बटर पेपर लगा दीजिए, सब साइड से स्टिक कर दीजिए और अंदर से उसे सेलो टेप से चिपका लीजिए। और इस पे हम मेल्टेड चॉकलेट से बाउल तैयार करेंगे। इस टाइप से डाल लीजिए, आपको जितनी बड़ी बाउल तैयार करनी है उतनी बड़ी। इसे फैला लीजिए और इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर इसे निकालना है। डेकोरेशन के लिए तो आप जितना क्रिएटिव माइंड यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा तैयार होगा। और इसे धीरे से निकाल लीजिए, बिल्कुल आराम से निकालिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। आप इस बाउल को खा भी सकते हैं, इसमें आइसक्रीम सर्व कीजिए, बहुत सुंदर दिखता है और इसे खाया भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरे डेकोरेशन तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं, सजेशन है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। केक, कपकेक्स और आइसक्रीम के साथ इसे सर्व कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।